हाय फ्रेंड, और कैसे हैं आप सभी। आज मैं ब्रोकली, मटर, आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरी ब्लॉगिंग जरूर देखा कीजिए और फुल वॉच किया कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आज फिर शाम का हम आपको डिनर दिखाते हैं कि आज शाम को डिनर में हम क्या बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ब्रोकली कट करके ले लिया है, इसी में मटर ले लिया है, टमाटर ले लिया है, प्याज, और ये मैंने मिर्ची को कट करके ले लिया है, और साथ में ये मैंने टमाटर लिया है, और ये आलू भी कट कर लिए। तो ब्रोकली को मैंने छोटा छोटा कट किया है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रोकली की सब्जी हम बिल्कुल फूल गोभी की तरह ही बनाएंगे, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा चेंज होगा। तो चलिए फिर गैस की तरफ आगे हैं और स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बाल धोया था। फ्रेंड्स, कढ़ाई डाल रखती है, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसी में हम अपनी ब्रोकलियों को डाल के फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे। अब हम मिर्ची को डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा और ये कटे हुए प्याज। इसी में डालती हूँ टमाटर। साथ में हम मटर को भी साथ में पकाएंगे, टमाटर और प्याज को। तो चलिए अब मसालों को ऐड करते हैं। हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला मिक्स करेंगे, और ये आलूओं को डाल देंगे। आलूओं को मैंने फ्राई नहीं किया है, साथ में ये फ्राई ब्रोकली। सभी को मिक्स करूंगी। देखिए, देखने में ही कितनी यम्मी लग रही है, तो खाने में कितनी यम्मी होगी सब्जी। अब इसको अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और इसी में अभी हमको पानी नहीं डालना है। तो इसको ढक के हम पकाते हैं। तो इसको चलाऊंगी। अब इसमें हम डालेंगे पानी ग्रेवी के लिए।
मैंने 10 मिनट तक सब्जी को बिना ग्रेवी के पकाई है। अब 10 मिनट तक देखिए आधी सब्जी मेरी पक गई है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए आधा गिलास के बराबर पानी डाले हैं और इसको 10 मिनट तक हम और कुक करेंगे। फ्रेंड्स, सब्जी देखिए मेरी बनके तैयार है। पूरी, पराठा, नान, रोटी किसी के साथ दिखाइए। तो चलिए फिर, अब जब इतनी अच्छी सब्जी बनी है तो पूरी की भी तैयारी कर लेते हैं। सब्जी हो गई तैयार, तेल भी हो गया गरम। इसी गरम तेल में डाल देंगे अजवाइन की पूरी। मैंने आटे में थोड़ा सा अजवाइन भी मिक्स किया है। कुछ नहीं करना है, अगर आपका आटा अच्छा है तो फटाफट पूड़ियाँ आपकी फूल जाएंगी। ऐसे ही सारी पूड़ियों को हम निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी फ्रेंड्स बनके तैयार है। मैंने ऊपर से इसमें हरी धनिया भी डाल दी है। तो चलिए फिर खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो खाना हो चुका है फ्रेंड्स, और हमने मीशो से ब्लाउज़ मंगवाया था तो ब्लाउज़ मेरा आ गया है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मेरा ब्लाउज़ कैसा है, और फिर अगर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा तो आप भी ले लीजिएगा। लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए खोल के हम दिखाते हैं आपको ब्लाउज़ कैसा है। क्योंकि जो मैंने पिक्चर्स देखी थी तो काफ़ी अच्छा लोगों ने उसमें कमेंट किया, तो फिर मैंने भी ऑर्डर कर लिया। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का ब्लाउज़ है और ऊपर नेट से डिज़ाइन दी गई है। ये देखिए ब्लाउज़, मतलब ये ब्लाउज़ जो है स्टेबलेशन है, ये कोई भी पहन सकता है। ये कपड़ा जो है बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ऊपर नेट का वर्क दे दिया गया है इसमें, और बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और उसमें बहुत से कलर के थे लेकिन मुझे ब्लैक कलर का चाहिए था, इसलिए मैंने ब्लैक कलर का ही ऑर्डर किया है। और काफ़ी अच्छी डिलीवरी थी और डिलीवरी फ्री थी। तो फ्रेंड्स, अब मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ।